हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टोस्ट टू टेस्ट। क्रिसमस लगभग आ ही गया है और क्रिसमस में हम सब लोग केक खाते हैं। इस क्रिसमस में हम बाज़ार से केक नहीं खरीदेंगे, घर में ही बनाएंगे और बाज़ार जैसा ही बनेगा। देखिए, दिखने में बहुत अच्छा हुआ है और खाने में भी डिलीशियस बनता है। सिर्फ कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है और ये मेरा दावा है, अगर इस तरह से आप घर में केक बनाएंगे तो दोबारा बाज़ार से ख़रीदना नहीं चाहेंगे। ये कितना सॉफ्ट बना है और ये एगलेस है। इसे बनाने में ओवन नहीं चाहिए, इसे हम कुकर में बनाएंगे। देखिए कितना सॉफ्ट बना है ये। अब चलिए इसे बनाते हैं। क्रिसमस फ्रूट केक में बहुत सारा ड्राई फ्रूट डाला जाता है। मैंने यहाँ पे एक टेबलस्पून करके पिस्ता, कैशू नट्स, राइजिन यानी कि किशमिश ली है दोनों तरह के, और यहाँ पे 2 टेबलस्पून है आमंड और इसे छोटे टुकड़ों में काट ली है। टूटी फ्रूटी है 1/3 कप और यहाँ पे डेट्स यानी कि खजूर है 1/2 कप। इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसे फ्रूट जूस में भिगोना है 2 से 3 घंटे के लिए। आपके पास जो भी अवेलेबल है ड्राई फ्रूट आप उसे ले सकते हैं, आप क्वांटिटी अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑरेंज जूस ली है, आप मिक्स फ्रूट जूस भी ले सकते हैं या फिर आप जो पसंद करते हैं उसे ले सकते हैं। अच्छी तरह से मिला देते हैं और मिलते हैं 3 घंटे बाद। अब ड्राई इंग्रेडिएंट ले लेते हैं। 1 कप मैदा ली है और इसके साथ मिला देना है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। मैंने यहाँ पे आमंड पाउडर ली है 1/4 कप, ये ऑप्शनल है लेकिन आमंड पाउडर लेने से केक का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे है 1/4 टीस्पून ड्राई जिंजर पाउडर, 2-3 पिंच नमक है, 2-3 पिंच नटमेग पाउडर है और 2 इलायची को क्रश करके इसमें डाल देना है। इसे अच्छी तरह से मिला देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरह। एक बोल में 1/2 कप तेल ले लेते हैं, इसके साथ मिलाते हैं 1/3 कप ब्राउन शुगर और 1/4 कप नॉर्मल शुगर। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप नॉर्मल शुगर भी डाल सकते हैं। ब्राउन शुगर कलर लाता है और बहुत दिखने में अच्छा होता है। अगर आपको कलर चाहिए तो आप गुड़ यूज़ कर सकते हैं या फिर 1 टीस्पून कोको पाउडर। इसके साथ दही चाहिए 1/4 कप, पहले इसको मिला देते हैं तेल के साथ। इसके साथ मिला देते हैं दही को और इसे अच्छी तरह से फेंटना है 5 से 7 मिनट के लिए या फिर तब तक फेंटिए जब तक ना शुगर मेल्ट हो जाए। इन बीच कुकर को प्रीहीट कर लेते हैं 10 से 15 मिनट के लिए और बाकी जो प्रोसेस है वो भी कर लेते हैं। कुकर ली है, आप कोई भी डीप बर्तन ले सकते हैं। नीचे में थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और उसके ऊपर एक स्टैंड बिठा दिया है, इसे कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए प्रीहीट करना है। यहाँ पे दही, चीनी और तेल भी तैयार हो गया है, चीनी मेल्ट हो गया है। अब इसके साथ मिला देना है ड्राई इंग्रेडिएंट को। इसे 3 पार्ट में हम मिलाएंगे। मिलाते हुए ध्यान रखना है कि कोई भी लंप ना रहे। सारी डाल देना है, अच्छी तरह से मिला देते हैं। अब इसके साथ मिला देते हैं ड्राई फ्रूट को जो हम फ्रूट जूस में भिगो के रखे थे। इसे जूस से निकाल के डालना है और अच्छी तरह से मिला देना है। मैंने यहाँ पे मेज़रिंग कप यूज़ की है, अगर आपके पास मेज़रिंग कप नहीं है तो घर में ऐसे यूज़ करने वाला कप से भी आप मेज़र करके ले सकते हैं, लेकिन केक बनाने में वो मेज़रमेंट बहुत ही ज़रूरी है। अब इसके साथ मिला देते हैं ऑरेंज और लेमन ज़ेस्ट को। आप ख़रीद के भी डाल सकते हैं लेकिन अभी तो मार्केट में अवेलेबल हैं, फ्रेश डालना ही मैं पसंद करती हूँ। इसे ग्रेटर से लेमन को थोड़ा सा घिस के लेमन जूस ले लेना है। अगर आप चाहें तो बारीक काट के भी डाल सकते हैं।
इसी तरह से ऑरेंज के छिलकों को भी ग्रेट कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसे भी बारीक काट सकते हैं। अब इसे मिला देना है। अब इसे केक मोल्ड में डाल देना है। मैंने यहाँ पे एक बोल ली है, अगर आप चाहे तो केक टिन भी ले सकते हैं। और इसे ऑयल ब्रश कर लेना है चारों ओर से अच्छी तरह से। अब इस पर डाल देते हैं बटर पेपर को काट के। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कोई भी पेपर के ऊपर थोड़ा सा ऑयल ब्रश करके इसे डाल सकते हैं। अब केक बैटर को टिन में डाल देते हैं। अगर आप मेरे बताए हुए मेज़रमेंट से बनाते हैं तो ये इस तरह से बनेगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा हार्ड हो गया है तब इसे थोड़ा सा नरम करने के लिए 1-2 चम्मच आप नॉर्मल टेम्परेचर का दूध भी डाल सकते हैं। अब इसे डाल देते हैं प्री हीट किया हुआ कुकर में 1 घंटे के लिए। इसे अच्छी तरह से फैला देना है चारों और इसे टेप करना है ताकि कोई भी गैप ना रहे। एग को लो फ्लेम में 1 घंटे के लिए बेक करना है। 1 घंटे बाद केक को चेक करते हैं एक स्टिक डाल के। अगर ये कच्चा रहेगा तो इसे और 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम में बेक करना है। लेकिन ये बन गया है, गैस ऑफ कर देते हैं और इसे कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देना है। एक टिन को कुकर से निकाल लेना है। अब इसे ठंडे होने के लिए छोड़ देना है। लगभग 1-2 घंटे बाद ये जब ठंडा हो जाए तब इसका पीसेस निकालना है। केक ठंडा होने पे इसे डीमोल्ड कर लेना है। चलिए इसे काटते हैं, देखिए कितना सॉफ्ट बना है। अगर आपको मेरी ये प्रोसेस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इस क्रिसमस में आप घर में ही केक बनाएं और क्रिसमस को और भी एंजॉयबल बनाइए। लोग खुश रहिए। विश यू ऑल मेरी क्रिसमस।